press the bell icon for all the updates. वही कि माँ भी कह रही थी और सब पूरा परिवार कह रहा था कि कोई लड़की ऐसे झूठ नहीं बोलेगी, अपने आप को बदनाम नहीं करेगी। तो लेकिन जितना भी साहिल और वेदिका के अंदर जो ट्रस्ट है, जो प्यार, मतलब वो शादी वाला प्यार नहीं बोल सकते, लेकिन एक ट्रस्ट वाला प्यार, एक दोस्ती वाला प्यार, तो जितना वो है वेदिका और साहिल दोनों को, मतलब वेदिका को 100% बिलीव है कि साहिल ऐसा नहीं करेगा, और करेगा तो वो शायद कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो ये रिपोर्ट और ये आइडिया वेदिका का था, उसने पूरे परिवार को कन्विंस किया और साहिल ने डॉक्टर बुलाया, सब साहिल के हिसाब से हुआ और अब रिपोर्ट आई है, तब इट्स अ पॉजिटिव। तो ऑफकोर्स जितना भी प्यार हो या जितनी भी ट्रस्ट या जितना भी कुछ हो, लेकिन सच सामने है, उसे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। महिला संगठन के भी लोग आए हैं और काफ़ी कुछ साहिल को भी कहा है, आपको भी कहा है, क्या कहना चाहिए, काफ़ी तमाशा बना दिया उसमें। तो शायद वेदिका को और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है, बट उसका मेन इशू अभी यही है कि साहिल को मनाना कि भाई दिस इज़ वॉट इट इज़, यू आर द फादर, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। क्या लगता है लास्टली साहिल नहीं, आई थिंक अभी ऐसा कुछ वापस नहीं होगा, क्योंकि अभी तो कोई मानेगा भी नहीं इस चीज़ के लिए। अभी शायद नोइंग व्हाट साहिल इज, ही विल एक्सेप्ट। रियली अभी तक तो शुरू भी नहीं हुआ है। अच्छा, अरे जितना ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, बहुत कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है कि सिर्फ रोमांटिक रोमांटिक चलता रहे तो सबको मज़ा नहीं आता, तो मिलना फिर बिछड़ना, मिलना फिर बिछड़ना, दैट रियली वर्क्स, और हमारे में तो बिकॉज ऑफ द एज गैप इट वर्क्स बेटर। तो आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी कि आपको मज़ा आ रहा है, प्लीज़ देखते रहिए, हम कोशिश बहुत कर रहे हैं इस शो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अगर आप साथ दें तो बन जाएगा।